आज हम लोग परसेंटेज चैप्टर से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 12 है। इससे पहले के क्वेश्चन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है, किसी वस्तु के मूल्य को 20% घटा दिया जाता है तथा पुनः घटे हुए मूल्य को 30% घटा दिया गया। ठीक है, तो बतलाइए वस्तु के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो लास्ट वाला सेंटेंस पढ़िए, वस्तु के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, ऐसा जब क्वेश्चन रहे प्रभाव पड़ेगा इस टाइप का, तो देखिए जो लिखा हुआ रहेगा 20% घटा दिया, तो घटाने के लिए माइनस का साइन लिखेंगे हम लोग, -20%, फिर 30% घटा दिया गया तो फिर -30, जब घटेगा तो माइनस लिखेंगे और बढ़ेगा तो प्लस का साइन देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे करना क्या है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, माइनस माइनस प्लस। अब ये दोनों को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 20 × 30 और इसको डिवाइड करेंगे 100 से। ये दोनों को मल्टीप्लाई किए और इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है। ये दो को जीरो कट गया, अब इसको बस लिख देते हैं -20, फिर -30, फिर प्लस है तो प्लस। अब इसको देखिए मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे तो 2 × 3 = 6 हो जाएगा। अब इसको बस सॉल्व करिए तो -20 और -30 हो गया -50 और +6, तो ये हो जाएगा -44। साइन के साथ लिखेंगे तो बड़ा से छोटा घटाएंगे तो बड़ा बड़ा का साइन देते हम लोग। ठीक है, ये दोनों में बड़ा ये है, इसका साइन माइनस है, इसलिए माइनस। अब -44 का मतलब क्या हुआ, 44% का कमी हुआ। यहाँ प्लस में अगर आता तो 44% का वृद्धि होता, जो कि आगे क्वेश्चन में हम लोग सीखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 44% कमी। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इसमें दिया गया है, यदि किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 20% और 30% बढ़ा दी जाए तो नए आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। यहाँ वृद्धि दिया गया, प्रभाव नहीं लिखा है। देखिए तो प्रभाव लिखे या फिर वृद्धि लिखे, इसका मतलब यह है क्या हो रहा है। देखिए कितना प्रतिशत का वृद्धि होगा, कुछ तो बढ़ जाएगा, तो बढ़ जाएगा तो आयत का क्षेत्रफल में क्या हो रहा है, इफेक्ट पड़ रहा है, बढ़ रहा है या घट रहा है। तो जब ऐसा क्वेश्चन रहे तो क्वेश्चन नंबर 12 जैसे बनाए वैसे ही बनाएंगे। किसी आयत की लंबाई में 20% की तथा 30% की वृद्धि हुई, बढ़ा। ठीक है, मतलब 20% बढ़ा तो बढ़ा का साइन हम लोग प्लस में लिखेंगे, वृद्धि को हम लोग प्लस में लिखेंगे और कमी को माइनस में। और यहाँ पे 30% की फिर वृद्धि हुआ तो फिर प्लस में लिखेंगे। अब प्लस 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 होता है। अब देखिए ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 20 × 30 और डिवाइड करेंगे 100। ये दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखना है और डिवाइड करना है 100 से। ये दो को जीरो कट जाएगा। अब लिखिए, देखिए +20 + 30 और यहाँ पर भी प्लस है और 2 × 3 = 6। अब इसको ऐड करिए, 20 और 30 50 और 6 56 हो गया। और ये साइन सब प्लस में तो प्लस में आएगा, +56 का मतलब हुआ 56% का वृद्धि हुआ। वृद्धि मतलब बढ़ा, ठीक है, या फिर वृद्धि लिखा हुआ रहेगा या फिर बढ़ा, दोनों का मतलब एक ही चीज़ होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। इसमें दिया गया है, एक बेमान दुकानदार सामान खरीदते समय 10% तथा बेचते समय 10% का बेमानी करता है तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। तो देखिए एक दुकानदार है, खरीदते समय 10% का धोखा, तो दुकानदार जो है वो खरीदेगा तो 10% क्या कम लेगा, 10% वो ज़्यादा लेगा। एक दुकानदार है कुछ खरीद रहा है, ठीक है, तो 10% क्या करेगा, वो अपने प्रॉफिट में लेगा। खरीदते समय 10% तथा बेचते समय 10% का बेमानी करता है, मतलब बेचने के टाइम में भी 10% वो कमा रहा है। ठीक है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है, देखिए प्लस 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 हो जाएगा और ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 10 × 10/100। ये जीरो कट गया, ये लिखेंगे हम लोग 10, प्लस में है तो प्लस लिख देंगे, फिर +10, फिर ये +1 × 1 = 1। अब 10 और 10 20 और 1 21 और सब प्लस में है तो प्लस लिखेंगे, +21 का मतलब हुआ 21% की वृद्धि हुआ। ठीक है, या फिर 21% का उसको लाभ हुआ। ठीक है, यहाँ पे लाभ या हानि बोला गया है, 21% बढ़ा मतलब क्या, 21% उसको प्रॉफिट हुआ। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। इसमें दिया गया है, एक आदमी अपनी आय का 45% राशन पर और 15% कपड़ों पर और 20% अन्य मदों पर खर्च करता है, मतलब अन्य मदों मतलब दूसरा चीज़ों में खर्च कर रहा है। देखिए एक कोई आदमी है, वो 45% राशन पर मतलब खाने में खर्च कर दे रहा है, 15% कपड़ा में मतलब ड्रेस में खर्च कर रहा है और 20% कुछ दूसरा चीज़ में खर्च कर रहा है। ये सब क्या है, खर्च है। तो खर्च क्या क्या कर रहा है, 45% कर रहा है, 15 कर रहा है और 20 कर रहा है। तो टोटल खर्च हम लोग निकाल लेंगे, टोटल करने के लिए ऐड करना पड़ेगा। देखिए 5 × 5 = 10 का 0 carry 1, 4 × 1 = 5, 5 × 6 = 7, 8 हुआ, मतलब 80% वो क्या कर रहा है, ये खर्च कर दे रहा है। यहाँ पे साफ साफ बोला गया खर्च करता है। तो कोई भी चीज़ जब होता है, हम लोग परसेंटेज चैप्टर जब बनाएंगे तो कोई भी चीज़ को हम लोग 100% मानेंगे। तो मान लेते हैं उसकी उसका आय क्या था, मतलब इनकम
उसका इनकम 100% था मान लेते हैं, तो 100% में से वो 80% क्या किया, खर्चा कर दिया, तो बचाया कितना होगा, 100 में अगर 80 वो खर्चा किया होगा तो 20 ही उसका बचत हुआ होगा या बचाया होगा, सेविंग उसका 20% हुआ होगा। तब बोल रहा है यदि उसके पास इतना रुपया बच जाता है तो बचा कितना 20%, और बचा कितना 75 रुपीज़, मतलब यही 25% है, 25 नहीं ये 20% है, इतना बचाया 20% बचाया और 75 रुपीज़ बचाया, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 20% इज इक्वल टू 75। फिर तो बोला गया है तो उसकी आय बताए, तो आय कितना होता है 100%, तो 100 इक्वल टू हम लोग निकाल लेंगे, तो 100% इक्वल टू देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 75 बाय में ये चल जाएगा और ये मल्टीप्लाई में चल जाएगा। इसको हम लोग हमेशा ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे जो रहेगा वैल्यू उसको उतार देंगे और इसके बगल वाला नीचे चल जाएगा और ये यहाँ पे चल जाएगा, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हुआ। अब इस चीज़ को काटिए, 5 बार में कटेगा 25 जो 100, अब इसके इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 5 5 जो 25 का 5 कैरी 2, 5 7 जो 35, 35 और 2 37, तो इतना रुपया हो इसका आंसर हो गया। ठीक है, मतलब टोटल उसका इनकम कितना था 375 रुपया, ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, इसमें दिया गया है मोहन अपनी आय का 20% पढ़ाई पर, 30% यातायात पर और 25% अन्य मदों पर खर्च करता है, यहाँ 25% है। ठीक है, ये सब खर्च कर रहा है, उसकी मासिक आय इतना है तो बचत क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 के जैसे ही है, तो देखिए मोहन अपनी आय का 20% पढ़ाई पर और 30% यातायात पर, तो क्या हो गया 20 और 30 50 हो गया। अब बार बार लिख के अगर ऐड करेंगे तो टाइम लगेगा, इसलिए डायरेक्ट करिए 20 और 30 50 हो गया और यहाँ 25 75% हो गया, और ये सब क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है, मतलब 75% अगर वो खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा होगा। हम लोग आय को कितना मान लेते हैं 100%, यहीं पर लिख लेते हैं 100% क्या है इसका आय, मतलब इनकम है, और 100% में से 75% वो खर्च कर दिया तो बचाया कितना होगा 25% उसका बचत हुआ होगा। अब यहाँ पे देखिए दिया गया है यदि उसकी मासिक आय 500, तो मासिक आय कितना है 100% और ये दिया गया 500, मतलब 100% इज इक्वल टू 500, तो उसका बचत क्या है, वो क्या बचाता है या बचत क्या है जो समझिए, बचत पूछा गया है, तो बचत कितना है 25%, तो 25% इज इक्वल टू निकाल देंगे हम लोग तो 500, और इसको हम लोग नीचे में लिखते हैं और इसको मल्टीप्लाई करके, अब देखिए 2 0 2 0 कट गया, अब 25 5 जो हो जाता है 125, इतना वो बचाएगा। ठीक है, यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पे देखिए शेष नहीं दिया गया है, आगे का क्वेश्चन हम लोग शेष बनाएंगे, शेषफल वाला, तो वो थोड़ा सा दूसरा टाइप का बनेगा, इसमें दो ही टाइप का क्वेश्चन रहता है। अभी हम लोग 15 और 16 जो बनाया है ये एक टाइप हो गया, अब जो बनाएंगे वो एक दूसरा टाइप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, इसमें दिया गया सुरेश अपनी आय का 40%, ठीक है, हिस्सा भोजन पर, मतलब 40% भोजन पर खर्च कर रहा है, शेष का 50% हिस्सा यातायात पर, फिर शेष का 30% यात्रा, 30% हिस्सा कपड़े पर खर्च करता है। देखिए ये सब क्वेश्चन का सेंटेंस देखिए, यहाँ पे शेष का जब बोला जा रहा है, यहाँ पे भी देखिए शेष का बोला गया है या शेष का बोला गया है, जब शेष का बोला जाए तो क्वेश्चन जस्ट थोड़ा सा चेंज हो जाता है, इसमें डायरेक्ट ऐड करके बनाएंगे तो गलत आ जाएगा, तो इसको देखिए बनाइए 40% जब दिया गया है तो इसको पहले फ्रैक्शन में चेंज करिए, भिन्न में, तो 40% है तो 40/100 हम लोग लिख सकते हैं, इसको हटाएंगे तो 100 हो जाएगा, ये भिन्न बन गया, इसको भी वैसे करेंगे तो ये हो जाएगा 50/100 और ये हो जाएगा 30/100। ये सब क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है, ठीक है, उसके बाद वो इतना रुपया बचाता है। ठीक, देखिए 100 में से अगर 40 खर्च कर दिया तो 60 बचेगा हम लोगों का, 100 में से अगर 40 अगर खर्च कर दे रहा है तो हम लोगों का बचेगा 60। ठीक, तो इसको उल्टा जस्ट करके लिखेंगे, 100 है ना तो 100 को ऊपर में लिख देंगे और बाय कितना लिखेंगे 60, इससे माइनस कर करके फिर मल्टीप्लाई, देखिए 100 लिखेंगे और देखिए 100 में अगर 50 खर्च कर दिया तो बचेगा हम लोग का 50, सीधा सीधे इसको इसको माइनस करिए और लिख देंगे, यहाँ पे उतना ज़्यादा सोचने का जरूरत ही नहीं है, इसे इसको माइनस करेंगे तो 60 आएगा, फिर इससे इसको माइनस करेंगे तो 60। ठीक है, और इसमें माइनस का साइन देने का ज़रूरत नहीं है, फिर इसको इसको माइनस करेंगे तो होगा 70, और वही 70 को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 100/70, जस्ट उल्टा करके लिखेंगे, 100 नीचे में है तो 100 सब ऊपर में लिख देना है। ठीक है, यही इसका प्रोसेस है। अब देखिए इतना रुपया बचाता है तो इतना जो लिखे है उसको बस मल्टीप्लाई कर देना है 2520 से। ठीक है, अब बहुत कोई कंफ्यूज होता है कि मल्टीप्लाई इधर करें या इधर, अब जिधर मन उधर करिए, एक ही फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इधर भी आप लोग इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते थे। ठीक है, यानी कि इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे 2520 इंटू 100/60 इंटू 100/50 इंटू 100/70,
या तो ऐसे लिखिए या तो फिर ऐसे लिखिए, ठीक है, ऐसे लिखेंगे या फिर ऐसे, कैलकुलेशन करेंगे तो एक ही बात आएगा, मतलब एक ही आंसर आएगा। चलिए हमको इसको कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। अब देखिए, जीरो जीरो कट गया, फिर ये जीरो कट गया, फिर ये जीरो कट गया। अब देखिए, सिक्स का टेबल में काटिए, सिक्स सिक्स फोर जा 24 हुआ, एक बच गया, सिक्स टू जा 12। अब देखिए, सेवन सिक्स जा 42 होता है। अब फाइव का टेबल में इसको काटिए, फाइव टू जा 10, एक जीरो, ये बचा देखिए, अब सिक्स यहाँ बचा 100, फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई 20 बचा, यही सब बचा, इसको मल्टीप्लाई करिए तो सिक्स वन जा सिक्स, और सिक्स को टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, और दो को जीरो है तो 1200 हो गया। और ये 1200 जो देखिए, और एक को जीरो यहाँ पे बचा हुआ है, 20 है यहाँ पे, 100 था, सिक्स इंटू 100 है ये, 100 इंटू 20 तो 12,000 हो जाएगा हम लोगों का आंसर, इतना उसका इनकम हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, इसमें दिया गया है, एक व्यक्ति अपने आय का 20% हिस्सा भोजन पर, शेष का 30% हिस्सा यातायात पर, तथा शेष का 1/3 भाग किराया पर खर्च करता है। देखिए, सब में शेष लगा हुआ है, शेष अगर नहीं लगा होता तो डायरेक्टली हम लोग ऐड कर देते हैं। देखिए, शेष जब लगा रहेगा तो इसको भिन्न में चेंज करेंगे तो 20/100 हो जाएगा, फिर ये इसको चेंज करेंगे तो 30/100 हो जाएगा, और ये ऑलरेडी चेंज किया हुआ है तो 1/3 ही लिखिए, ठीक है। खर्च कर कर आगे तरफ क्वेश्चन इसमें आ नहीं रहा है, इसलिए आगे पेज नेक्स्ट पेज में है क्वेश्चन। इतना है, वह 5600 रुपया बचत करता है, ठीक है, इसमें बचत दिया गया 5600 रुपया, तो मासिक आय बताइए, तो ठीक है, तो बचत तो दिया गया है, तो बस इसको हमको चेंज करना है। तो देखिए, इसको तो लिखना ही है 100, ठीक है, फिर इंटू ये भी लिखना है, और इंटू ये लिख दीजिए, ठीक है, ऐसे कर दीजिए। अब इससे इसको घटा के लिखते जाइए, इससे इसको घटाएंगे तो 80 हो जाएगा, फिर इससे इसको घटाएंगे तो 70 हो जाएगा, इससे इसको घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। इतना लिखने के बाद मल्टीप्लाई करेंगे और बचत इसका 5600 है। अब इसको बस कैलकुलेशन करिए, देखिए, दो को जीरो कट गया, नीचे दो को जीरो, ऊपर दो को जीरो कट गया। अब देखिए, एट का टेबल में ये 7 बार में 56, फिर दो को जीरो, टू का टेबल में इसको काटिए, टू का टेबल में ये 5 बार में एक जीरो, फिर सेवन का टेबल में देखिए, 7 1 7, दो को जीरो, इतना हुआ। अब इसको बस कैलकुलेट करिए, तो 50 इंटू 3, जो जो बचा है उसको बस लिखना है, फिर इंटू 100। अब इसको मल्टीप्लाई करिए तो 5 3 जा 15, 1 2 3 को 0, 1 2 3 0, तो 15,000 उसका इनकम था, मतलब आय बोलिए या फिर इनकम बोलिए, ठीक है, उसका 15,000 इनकम था। तो इस टाइप का क्वेश्चन यही 2-3 टाइप से रहता है। अब आगे हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, इसमें दिया गया है, एक परीक्षा में 36% विद्यार्थी हिंदी में तथा 47% विद्यार्थी 47% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। अनुत्तीर्ण का मतलब होता है फेल हुआ, तो 36% हिंदी में फेल हुआ, तो हिंदी को एच से लिखते हैं, ये 36% हुआ, और ये सब क्या है, फेल लिख रहे हैं हम, एफ से फेल लिख देते हैं या फिर फेल लिख ही देते हैं, ठीक है, ये अनुत्तीर्ण हुआ। और 47% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुआ, इंग्लिश में कितना हुआ, 47% फेल हुआ, ठीक है। यदि दोनों में 22% अनुत्तीर्ण हुआ, अब 22% क्या बोल रहा है, ये दोनों में, तो देखिए ऐसे फिगर बनाएंगे, जब दोनों का बात किया जाएगा तो ऐसे फिगर बनाएंगे, इसमें हिंदी लिख देंगे एक साइड में, इंग्लिश इधर, हिंदी लिखेंगे तो हिंदी 36 है, और इधर दोनों में क्या बोला गया, 22, तो दोनों ये वाला हो गया, दोनों ये वाला पार्ट, तो इसको हम लोग बोथ लिख सकते हैं या फिर दोनों, ठीक है, इसको हम साइड में ऐसे करके लिख देते हैं, ये दोनों है, ठीक है, ये वाला पार्ट जो है ये दोनों का है, तो दोनों में कितना बोला 22, तो यहाँ पे 22 लिख देते हैं, ठीक है, या फिर फिगर को थोड़ा बड़ा बना देते हैं तो अच्छा रहेगा समझने के लिए, ठीक है, ये बोथ समझ लीजिए, BOTH बोथ मतलब दोनों हो गया, दोनों किया है 22% है, और यहाँ पे हिंदी में क्या है, देखिए हिंदी में 36 है, तो हिंदी देखिए यहाँ से पूरा ये पार्ट तक है, इसका भी आ जा रहा है, मतलब 22 भी इधर आ जा रहा है, और हिंदी में टोटल 36 है, तो 36 से इसको माइनस करिए, तो देखिए 3 से अगर मतलब 6 से अगर 2 घटेगा तो 4 होगा, 3 से 2 घटेगा तो 1, ये 14, ये 22, देखिए ये टोटल कितना होना चाहिए, 36, क्योंकि हिंदी में 36 है, तो इसको देखिए 36 हो जा रहा है। अब इंग्लिश में देखिए 22 यहाँ पे है और 47 है, तो 47 से इसको बस माइनस कर देंगे, ठीक है, इतना को माइनस कर देंगे तो इतना का हम लोग का वैल्यू निकल जाएगा, इतना पार्ट अगर इससे माइनस कर देंगे तो इतना का हम लोग का वैल्यू निकल जाएगा, ये सब का, इसको छोड़ के ये सब का, तो देखिए निकालते हैं, 7 से 2 घटेगा तो 5, 4 से 2 घटेगा 2। अब ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, जब ऐसा दोनों जब दिया जाए तो इसको जस्ट माइनस करके लिख देना है, 36 से 22 माइनस करेंगे यहाँ पे लिखेंगे, फिर 47 को 22 माइनस करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे, और ये सब जो आएगा ये सब क्या था, फेल था, तो ये जब ऐड करेंगे हम लोग तीनों तो फेल का आ जाएगा। तो देखिए फेल कितना किया या फिर अनुत्तीर्ण बोलिए,
ठीक है, तो देखिए कितना हो रहा है, 4 और 2 6 और 5 11 का, 1 कैरी 1, 1 और 1 2 और 2 4 और 2 6, तो 61% अगर फेल हुआ, हम बताए थे कोई भी चीज़ जब परसेंटेज में बनाएंगे तो 100% होता है, मतलब 100% टोटल स्टूडेंट था, विद्यार्थी था 100%, विद्यार्थी था 100%, उसमें से क्या हुआ 61% फेल हो गया, मतलब अनुत्तीर्ण हुआ। ठीक है, 61% क्या हुआ, अनुत्तीर्ण हुआ, तो पास कितना हुआ होगा, तो पास क्या होगा, इसे इसको माइनस कर देंगे जो बचा वही पास, तो इसे इसको माइनस करेंगे तो आएगा 39%, तो 39% क्या हुआ होगा, पास हुआ होगा, तो हम लोग का आंसर 39% हो जाएगा, पास मतलब उत्तीर्ण, ठीक है, उत्तीर्ण हुआ हुआ है 39%, तो यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, इसमें दिया गया है किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए और 85% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए, ठीक है, और 75% विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए, तो इसको भी हम लोग डायरेक्ट ऐसे फिगर बनाएंगे। पहले लिख लीजिए 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में, तो इंग्लिश में कितना हुआ 80%, और 85% विद्यार्थी गणित में, और गणित मतलब मैथ होता है, मैथ को एम से लिख रहे हैं, 85% हुआ इसमें, और 75% दोनों में बोल रहा है, जब दोनों जब बोला जाए तो ऐसे करेंगे, और ये भी देखिए उत्तीर्ण बोला गया है, यहाँ पे भी उत्तीर्ण बोला गया है, ये बोला ही जाएगा, तो ये दोनों में है, ठीक है, तो दोनों में कितना है देखिए 75% है, तो 75% यहाँ पे हो गया, ये इंग्लिश लिखिए इसमें मैथ लिखिए, तो इंग्लिश में इधर टोटल 75 है और ये 80 है टोटल, तो 80 में से 75 को क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो इससे इसको माइनस करेंगे तो 5, फिर इससे इसको माइनस कर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे तो 10 होगा, इससे इसको माइनस करेंगे तो, अब ये टोटल को हम लोग ऐड करेंगे, तो देखिए 75 और 5, 80 और 10 90, अब ये 90% क्या आया यहाँ पे देखिए, उत्तीर्ण था ये भी उत्तीर्ण था, मतलब ये 90% जो आया हम लोगों का उत्तीर्ण का वैल्यू आया, मतलब पास इतना क्या हुआ 90% पास हुआ। अब कोई भी चीज़ 100% रहता है, अब 90% अगर पास हो गया तो फेल कितना हुआ होगा, जो बचा 10%, 100 में से अगर माइनस कर देंगे 90 को तो 10 बचेगा, ठीक है, तो 10% हम लोग का क्या होगा फेल होगा, ठीक है, या फिर अनुत्तीर्ण बोलिए, अनुत्तीर्ण, ठीक। तो यहाँ पे बोला जा रहा है यदि 40 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण रहे, अनुत्तीर्ण रहे, 40 विद्यार्थी क्या हुआ दोनों में अनुत्तीर्ण रहा, तो देखिए कितना अनुत्तीर्ण रह रहा है, अनुत्तीर्ण मतलब फेल, 40 क्या हो रहा है फेल, और फेल कितना हुआ है 10%, तो हम लोग बोल सकते हैं यही 10% का वैल्यू दिया गया है, तो 10% इज इक्वल टू 40 दिया गया है, क्योंकि 10% फेल हो रहा था और यहाँ पे 40 फेल हो रहा है, तो 10% इज इक्वल टू 40। तब विद्यार्थियों की कुल संख्या बताइए, तो बताइए विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या होता है, 100% होगा ना, तो 100% हम लोग निकाल लेंगे, 10% इतना है तो 100% क्या होगा, तो 40/10 ये डिवाइड में आ जाता है और ये मल्टीप्लाई में आ जाता है, ये देखिए 0 0 कटा, अब 40 को 4 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 400, 4 × 100 400, तो कुल कितना था विद्यार्थी, तो 400 था, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, इसमें दिया गया है एक विद्यार्थी को 29% अंक प्राप्त हुए तथा वह 6 अंकों से फेल हो गया। देखिए ये सब एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, 19 और 20 एक अलग था और ये एक अलग टाइप है। देखिए एक विद्यार्थी को 29% अंक प्राप्त हुआ, कितना प्राप्त हुआ 29% अंक प्राप्त किया, ठीक है, और वह 6 अंकों से फेल हो गया, फेल हो रहा है 6 नंबर से वो फेल हो रहा है, तो माइनस में हम लोग लिख के रखते हैं, मतलब 6 नंबर उसको कम आया इसीलिए फेल हो गया, 6 अंकों से फेल हुआ इसका मतलब क्या है, उसको 6 नंबर और आता तो पास हो जाता, मतलब 6 नंबर उसको कम आया, डायरेक्टली याद रखिएगा 6 अंकों से फेल होने का मतलब क्या है, 6 नंबर उसका कम आया। एक विद्यार्थी को तथा एक अन्य विद्यार्थी को 43% अंक प्राप्त हुआ, उसको 43% अंक प्राप्त हुआ एक दूसरा विद्यार्थी को, जो कि उत्तीर्ण के अंक न्यूनतम अंक से 8 अधिक है, मतलब 8 नंबर वो ज़्यादा लाया, मतलब पास होने के लिए जितना चाहिए था उतना लाया और उससे 8 अंक अधिक लाया है, ठीक है, इसमें 6 नंबर से फेल हुआ, इसमें 8 अंक ज़्यादा लाया, देखिए इसमें प्लस माइनस का कोई ज़्यादा ये नहीं रहता है। फिर देखिए इसको लिख दिए, अब क्या करना है, देखिए ये जो परसेंट में रहेगा इसको हम लोग माइनस करेंगे, तो इससे इसको माइनस करिए या डिफरेंस बोलिए, तो 13 से 9 अगर घटाएंगे तो 4 बचेगा, अब ये 3 हो गया, 3 से 2 घटाएंगे तो 1, तो ये जो 14 आया इसको हम लोग लिखेंगे 14%। अब ये दोनों को देखिए क्या करना है, ये दोनों को हम लोग को क्या करना है, अब ये दोनों में देखिए माइनस प्लस है तो माइनस प्लस माइनस होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग कर देंगे प्लस, ठीक है, जस्ट उल्टा करते हैं, यहाँ पे भी देखिए वही है, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब क्या है प्लस है, यहाँ पे भी कुछ नहीं मतलब प्लस है, इसको छोड़ दीजिए, देखिए फिर भी समझ लीजिए ये प्लस है, प्लस है तो प्लस 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 हो जाता है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं माइनस,
इस केस में हमेशा माइनस ही हो रहा है, ठीक है, तो माइनस कर दिए। प्लस 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 होता है लेकिन माइनस कर रहे हैं, और यहाँ पे भी देखिए माइनस प्लस माइनस हो रहा है लेकिन हम लोग करेंगे इसका जस्ट उल्टा। तो माइनस प्लस माइनस हो रहा है तो हम लोग करेंगे प्लस, इसको प्लस करिए तो 6 और 8 हो जाता है 14। तो 14% इक्वल टू 14, यहाँ का जो आया वैल्यू परसेंट में आएगा, तो इतना परसेंट इक्वल टू इतना, ठीक है। तो अब देखिए बोला गया है तो परीक्षा में कुल कितने अंक, तो परीक्षा में कुल अंकों की संख्या बताएं। तो कुल अंक क्या होता है हम अभी बताएं, परसेंटेज चैप्टर जब बनाएंगे तो 100 मानते हैं हर एक चीज़ को, तो कुल कितना होगा 100% था, तो 100% इक्वल टू हम लोग निकाल लेंगे। तो 14/14 इंटू 100, ये दोनों कट जाएगा, बचेगा हम लोग का 100। तो ये 100 नंबर का था टोटल, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, इसमें दिया गया है राम किसी परीक्षा में 40% अंक लाया और 20 अंकों से फेल हो गया। सेम टाइप का क्वेश्चन है, ये सब एक टाइप है, याद रखिएगा। 40% अंक लाया और 20 अंक से फेल हो गया, तो फेल को हम लोग माइनस से लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है तथा रहीम उसी परीक्षा में 35% अंक लाया, ये राम लाया था तो राम लिख दीजिए, और रहीम उसी परीक्षा में 35% अंक लाया, तो रहीम क्या कर रहा है 35% अंक लाया और 30 अंकों से फेल हो गया, ये भी फेल हो गया 30 अंकों से फेल हो गया, तो फेल को माइनस में लिखेंगे। तो परीक्षा का पूर्णांक मतलब फुल मार्क्स, पूर्णांक मतलब फुल मार्क्स, तथा पास होने के लिए न्यूनतम अंक बताइए, मतलब फुल मार्क्स बताना है और न्यूनतम अंक बताना है। तो देखिए निकालते हैं, तो देखिए हम लोग को क्या करना है, देखिए इधर प्लस है इधर भी प्लस है, तो प्लस प्लस होता है प्लस, लेकिन यहाँ पे करेंगे हम लोग माइनस, ये दोनों को माइनस करेंगे। तो 40 से 35 घटाएंगे तो 5% आएगा, तो यहाँ पे लिखिए 5% इज इक्वल टू यहाँ पे जो वैल्यू आएगा देखते हैं, तो माइनस माइनस हो जाता है प्लस, यहाँ पे भी माइनस है यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस हो जाता है प्लस, लेकिन हम लोग करेंगे यहाँ पे माइनस, जस्ट उसका उल्टा, माइनस माइनस प्लस हो रहा है लेकिन प्लस नहीं करेंगे हम लोग, माइनस कर देंगे। तो 20 और 30 को घटाएंगे तो हो जाएगा 10, तो 5% इज इक्वल टू 10। तो हम लोग को क्या निकालना था, पूर्णांक। तो पूर्णांक का मतलब होता है 100%, फुल मार्क्स यही होता है, पूर्णांक मतलब फुल मार्क्स, तो 100% का था, तो 10 ये डिवाइड में आ जाएगा और ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। 5 का टेबल में 2 बार में 10, 2 इंटू 100 200, ये क्या था पूर्णांक था मतलब फुल मार्क्स, ठीक है, ये फुल मार्क्स था। अब बोला गया है देखिए, और एक बोला गया था पास होने का न्यूनतम अंक बताइए, तो पास होने के लिए कितना न्यूनतम अंक चाहिए। देखिए वो 40% लाया था और 20 अंक से फेल हो गया था, तो हम लोग 40% निकाल लेते हैं। देखिए 5% का वैल्यू हम लोग को पता था 10, तो 40% हम लोग निकाल लेंगे क्योंकि यहाँ 40% लाया था, तो निकालिए पहले 10/5 इंटू 40। तो 5 का टेबल में 2 बार में 2 4 जा 8 और एक 0, मतलब 80 हो रहा है 40%, मतलब 80 नंबर लाया था और 20 नंबर से फेल हो गया था। तो पास होने के लिए क्या कम से कम अंक चाहिए, तो 80 तो चाहिए ही, और 20 अंक और अगर लाता, 20 नंबर अगर और लाता तो क्या होता, पास हो जाता। तो 20 नंबर और ऐड कर दीजिए, मतलब इतना नंबर कम लाया था 20 नंबर इसलिए फेल हुआ, 20 नंबर और लाता तो पास हो जाता, तो 20 नंबर ऐड करिए तो 100 हो जाएगा। अब आप बोलिए कि हम इसको ही क्यों लेंगे, इसका क्यों नहीं लेंगे, आप लोग चाहे तो इससे लेके बनाइए या फिर इससे, आंसर वही आएगा। चलिए करके देख लेते हैं, देखिए यहाँ पे दिया गया था 5% इक्वल टू 10, इसको तो लिखना ही है। अब देखिए इसका अगर लेंगे तो ये 35% अंक लाया था, तो 35% इक्वल टू निकालिए 10/5 इंटू 35 हो जाएगा। तो 5 का टेबल में 7 बार में 35, अब 7 इंटू 10 70 हो गया, मतलब ये क्या किया 70 नंबर लाया और 30 नंबर से क्या हो गया, फेल हो गया, मतलब 30 नंबर अगर और आता तो पास हो जाता। तो देखिए 30 नंबर इसमें ऐड करिए तो क्या हो रहा है 100, तो 100 नंबर क्या था पास नंबर था, ये भी 100 आ रहा है। या तो ऐसे बनाएंगे या फिर ऐसे बनाएंगे, ठीक है, वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे। जिसको ये वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।